मैं दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे आज के मौसी के व्लॉग में। तो मौसी अभी बहुत बिजी है, वो काम कर रही है अभी। तो मैं आपको मौसी का रूटीन बताती हूँ। पहले मौसी सुबह 5 बजे उठती है, अम्मा को नहलाती है, फिर झाड़ू पोछा करती है, फिर मौसी नहाती है, मुझे भी नहलाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज मौसम भी ना कुछ बारिश वाला हो रहा है। हो सकता है कि बारिश हो या नहीं हो, देखते हैं क्या होता है। तो शायद उम्मीद है लेकिन जहाँ तक कि बारिश होगी, क्योंकि आजकल डेली क्या हो रहा है ना, सुबह बारिश हो जा रही है, शाम को नहीं होती है। ये भी सही है, सुबह सुबह बारिश हो, सब लोग घर के अंदर रहे और सब घर के अंदर होते तो मेरे को तो बड़ा मस्त लगता है ऐसा ही, सब घर के अंदर हो। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा दिव्यांशी की ब्लॉगिंग, जो उसने ही शुरू करी। मैंने उसको फ़ोन दिया था पढ़ने के लिए, तो पता नहीं कब वो बाहर आई और कब ब्लॉग बनाना उसने शुरू कर दिया। लेकिन कह रही मौसी प्लीज़ इसको ज़रूर डालना वीडियो में करके, तो बच्ची है तो मैंने उसका मन रखने के लिए सबसे पहले उसी पार्ट को डाला था। तो आपको अच्छा लगा होगा उसकी ब्लॉगिंग, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अभी मैंने कितना कट किया, पता नहीं क्या बोल रही थी, मेरी मौसी ऐसी वैसी, पता नहीं जो जो कह रही होगी वो। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। तो दिव्यांशी की ब्लॉगिंग थी ये। और आज दीदी जाने वाली है, शायद जा सकती है वो। अब बारिश अगर तेज़ होगी तो शायद ना जाए, और बारिश अगर बंद हो जाती है तो फिर शायद जाएगी। जब चलो जो भी होगा बताया जाएगा कि क्या करती है दीदी। तो फिलहाल तो मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है, कपड़े भी धो लिए, सारे काम मेरे हो गए। अब बारिश आए जो आती है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि अब मैं घर के अंदर हूँ। तो लेकिन जो घर के बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, बरसात का मौसम है तो मज़े ले सकते हैं बरसात के। तो जो भी होगा आपको बताया जाएगा, पल पल की अपडेट आपको ब्लॉग के माध्यम से दे दी जाएगी। आजकल पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है, और सीधे ऐसे कैमरे के सामने बोल देती हूँ मैं भी, ऐसा उल्टा सुलटा, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। ये भगवान, जो भी होगा मेरे को ये सुधारने अपना। तो जो भी होगा तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, और प्लीज़ वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कई लोगों को ये भी लग रहा था कि बीच में मैंने वो बाघ वाली प्रैंक वीडियो थी एक, वो करी थी, लेकिन पर थोड़ा अपना मनोरंजन कह सकते हैं आपकी वो था वो। तो आप लोगों को मज़े आए होंगे उस ब्लॉग को देखने में ज़रूर। और उसके बाद एक वीडियो और आई थी जो कल आई थी, वो थी कि होम स्टे हमारे गांव में। तो होम स्टे क्या, होम स्टे तो नहीं था वो, एक जो पेड़ था तो पेड़ में ही मतलब होता है ना गैप जैसा हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस होता है, तो वो बनाया था हमने होम स्टे, ट्री स्टे कह सकते हैं जिसको आप। तो वो भी हमारा टाइम पास था खाली। तो प्लीज़ ब्लॉग को इतना सीरियस मत लेना, कई लोग मेरे को कह रहे थे कि कहाँ है होम स्टे, बताओ बताओ करके। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो एक पेड़ था जो आपने देख लिया होगा वीडियो में, तो एक पेड़ का पार्ट था जहाँ से थोड़ा सा स्पेस होता है ना वहीं पे। तो मनोरंजन था गाइस, सॉरी, इसको सीरियस मत लेना। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, 2 बार कह दिया है मैंने, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी लघुआ में आ गए घूमने के लिए। आज लक्षिता, दिव्यांशी और नैतिक नहीं आए हैं, क्योंकि वो लक्षिता अपना काम कर रही है घर में, और दिव्यांशी और नैतिक घर में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, आज हम दो जाके आते हैं। और अगर अब मैंने दिव्यांशी को बोला था कि मैं सिर्फ मंदिर तक जा रही हूँ करके, तो अगर उसको पता चलेगा ना, बस हो गया, हालत खराब करेगी घर जाके। वो लब्बू का भी ऐसा ही करती है, आपने क्यों नहीं बताया मौसी, आपने क्यों नहीं बताया मौसी करके ना। तो देखते हैं अब हम दो क्या करते हैं, बने रहना व्लॉग में हमारे साथ। आप भी बहुत ज्यादा थक गए थे तो बैठने के लिए कुछ नहीं मिला, तो किसी की पुरानी बाइक मिल गई है यहाँ बैठने के लिए, बहुत बढ़िया हो रहा है यार। जब आपको थकान होती है, लब्बू एक तेरे लिए भी है, बिल्कुल यहाँ पे बैठ सकती है तेरे लिए और ये मेरे लिए। और यहाँ से आ रही है अभी, कौन आ रहा है अभी बताएंगे आपको, रुको रुको सबर करो। जो अक्सर आप ब्लॉग में देखते हैं जिस चेहरे को, तो की बात हो रहा था, बिराव पाचन बिल्ली के बच्चे है भाई भाई। ये गाय यहाँ पे देखो, ये बिल्ली का बच्चा है इसमें, एक बार दिखाओ, दिखाते हैं दो कैम दिलाई दुकान में सी, बहुत अच्छे तो बंद कर वे। गाइस देखो इसमें बिल्ली के बच्चे हैं, ओ क्यूटी, वाह वाह वाह, दूसरे तसो रंग अच्छे, वाह वाह। एक एक बच्चा यहाँ है, एक ऐसे, और इस पन्नी में लाया है इसको, इस थैले में, ताकि उनको सांस भी आते रहे ना।
बहुत बढ़िया। एक गाना बहुत ही मस्त अभी आप गुनगुना रहे थे, एक बार और। राना बांसुरी जाना बजाया हरिया बांसे जी, मैं बाटुली जाना लगाया पड़नी सांसे जी। वाह वाह बहुत ही बढ़िया। आप गाइस इनकी इस आवाज के लिए और इतना पहाड़ की संस्कृति को उजागर करने के लिए आप इनको कुछ उपहार दीजिए जरूर, जब पहाड़ आइए और इनसे मिलिए आप जरूर, आप कभी बोर नहीं होंगे सच्ची में, है ना। हमें ऑफर आया है आड़ू खाने का, तो आड़ू खाने के लिए हम जहाँ जा रहे हो मेरी क्लासमेट रह चुकी है, तो अच्छा रास्ता ही है, तो यहाँ से नीचे जाना है, तो ही हमें ले जा रही है अभी आड़ू खिलाने के लिए और इस घर पे जाना है अभी हमें। को आ रहा है रेखा? अच्छा तो गाइस चलो बने रहना हमारे साथ आप इस पहाड़ में आवाज लगाने की ट्रिक देखो। अपनी मौसी को बोलो आपकी दोस्त आई है करके। गाइस अब मैं मिलाऊंगी अपनी दोस्त सीला। सीला तेरे घर आ गया तो भाग रही है सीला ब्लॉक से, भगवान। तो सबसे पहले हम आपको भैंस के दर्शन कराएंगे और फिर यहाँ गाय और फिर यहाँ बकरी। मेरी दोस्त मुझे गिफ्ट में दे रही है आज आड़ू, बहुत लंबे टाइम के बाद। लब्बू तूने कब से नहीं खाए? मैंने भी काफी टाइम हो गया। हाँ तो अभी तुम्हारे लिए तोड़े जा रहे, देखो दोस्ती हो तो ऐसी हो सच में। वाह और देखो आड़ू को अगर आपने तोड़ने हैं ऊपर है तो उसके लिए एक बड़ी सी लकड़ी ली जाती है जिसके सहारे आपको आड़ू तोड़ने पड़ते हैं। मांगना कितना आसान होता है ना कि हमारे लिए भेज देना कहना, कितनी आफत आती है क्या पता आपको। शीला आप कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में, जो जो ऐसा कहते हैं कि आड़ू हमें भी दो या हमारे वहाँ कहते हैं कि लीची दो। भाई ये तो कह रही है आओ ले जाओ, रोड के नीचे घर है ना जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो वहाँ पे आना ले जाना। अब तो तूने मेरे को इतना टाइम नहीं होता है ना, अब तो इसने खुद ही कहा गया इसकी आप आओ ले जाओ करके, आप आओ सच में। वो देती भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देती है, सच में मेरे जैसी नहीं है वो, अपनी बेइज्जती कर रही हूँ। मेरा ऐसा है कि ना पर ऐसा है कि तो आफत तो आती है हर चीज की केयर करने में ना, उसकी देखभाल करने में, बंदर आ रहे हैं लंगूर आ रहे हैं तो उसकी देखभाल करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से है ये रीजन। बाकी देखो अब तोड़े जा रहे हैं, फिर दिखाती हूँ कि मुझे कितने देती हैं, देखती हूँ दोस्ती निभाती है नहीं निभाती है। इस फाइनली देखो इतने आड़ू मिले हैं, मतलब ये मेरे और लब्बू के दोनों के हैं, लब्बू को भी बड़ी खुशी हो रही है ना। आड़ू मतलब हमारे वहाँ आड़ू नहीं होते है ना, मतलब होते हैं लेकिन कम होते हैं, तो थैंक यू सीला। थैंक यू सीला। और ला गई देखो ये होता है प्रेम, दोस्ती का प्रेम निभा रही है ये, ले अभी इसको पकड़ेगी लब्बू और हम जाएंगे ब्लॉग बनाते बनाते। और साथ में हमें मिले आलू बुखरे, ये देखो आलू बुखरे ही होते हैं ना, आलू बुखार। आलू का बुखार आता है शायद कुछ, तो आड़ू के साथ साथ आलू बुखार, दोनों आलू आलू से हो रहा है कुछ, तो इसको भी रखो लब्बू, ये देखो इतने हैं। इसमें डाल दो। थैंक यू आपका कि आपने हमें आलू आड़ू और आलू बुखारे बुखार जो भी है वो दिलाए, है ना। ऐसी कहीं से काफल की व्यवस्था अगले साल, और कुछ जो अच्छे अच्छे फल होते हैं जो यहाँ नहीं होते उसकी व्यवस्था आप हमारे लिए कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तेरे तक मैं क्या फोन करिया, ये फोन लियो अब खुशहनी को आसते तू दिला देगा तू। मजाक कर रही हूँ, है घर में छन मजाक करने लग रही हूँ, सच्ची में सीरियस हो रही है। बढ़िया हो ना, बढ़िया। तो बिराल तो पे मे मे कर घर ले जाते रंगे तू आप। गाइस सीला इसका नाम क्या है? नाम नहीं रखा है इसका, इसका नाम रख देते हैं हम, बहुत है ना। देखो एक व्हाइट और ब्राउन शेड की बच्चिया कितनी, और बकरी के साथ। हाँ तू भी बता बता बता, ठीक है तू कैसे देख रही है लब्बू, जरा देख तू इसको। जब हम जाएंगे ऊपर को और ये जाएंगी यहाँ से ऊपर को, चलो फिर ठीक है बाय
बाय बोलो, जोर से बोलो। तो गाइस दिव्यांशी और नैतिक को देखो कैसे दिख रहे हैं दोनों के दोनों। टूरिस्ट हो तुम? चलो हम ऐसे टूरिस्ट को यहाँ मुनी लगाते हैं, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ डीडी आठ बेरी नाक को निकलो। मिलने के लिए आए थे, भेंट करने के लिए, भेंट करने के लिए जाओ, पैसे तो दे जाओ। जाते समय पैसे तो दे जाओ टूरिस्ट। पिठिया पिठिया तो दे दिया, पिठिया में जसमाई तो दिया हमने तुम्हें, ले रखो इसको। किसका? बिल्ला बिल्ला का है, बिल्ला बिल्ला है, हल्द्वानी में स्कूल भी है, बिरला है। Oh, 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 oh